कितना देर पहले मैसेज किया है देखो तो टाइम। मैसेज कितना देर पहले दिया था ग्रुप में? 5 मिनट हो गया। 5 मिनट हो गया देखो तो। अभी हो रहा है 29 हो रहा है। हाँ 5 मिनट हो गया। 24 मौसम कैसा है आज का? आज का मौसम कैसा है रे? मजा आ रहा है आज? तानिया नहीं है क्या? तानिया आ गई, परमिता आ गई, और कौन? शीला आ गई। तानिया परमिता नहीं, ऐचू का और ग्रेस नहीं आएगा, उसका ट्यूशन है, इसलिए तो थर्सडे क्लास कैंसिल कर देता हूँ। उसका छूटेगा ग्रेस का, ऐचू का ये रिकॉर्डिंग देखेगा। कॉपी निकालो जल्दी सर, बताओ कहाँ तक पढ़ाए थे। बातें बंद कर, दूर दूंगा। न्यूमेरिकल हुआ था? न्यूमेरिकल था आंसर। तेरे में 9 क्यों है रे? 90 होगा। सबका 90 है तो तेरे में 9 क्यों है? मार डालेंगे तेरे को। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक और फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। फिजिक्स कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में हमें न्यूमेरिकल कराया था जिसका आंसर 90 आया था, पर बंटी ने 9 लिखा है। अरे सर मैंने हाफ किया था इसलिए 9 लिखा था, बुरा नहीं कहते। कम के लेकर सर देखिए तो क्या कहते हैं। अच्छा हल्ला बंद कर दो। अब क्या हो रहा है यार, आज बार बार मैं कपड़ा झाड़ रहा हूँ, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, दिमाग खराब हो गया। चार बार झाड़ चुका तो इतना गंदा हो गया है तो धोने के लिए तो आदमी नहीं मिलता। सानिया को तो देंगे कल धो के लाएंगे। सानिया को ब्लू पेन दे रहे लिखो, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और ओमिक एंड बातें बंद कर ले नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है? नॉन ओमिक कंडक्टर सर, ओमिक तो वो होता है ना जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है। हाँ हाँ सही बोल। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेनी सब्सटेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस but it is not a fundamental law of nature, fundamental law of nature, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसके लिए ओम्स लॉ जो होता है वो वेर होता है, परंतु ये एक फंडामेंटल लॉ है, नहीं है नेचर का, ठीक है? ओमिक कंडक्टर क्या होता है इनके लिए जरा जान लीजिए। ओमिक कंडक्टर सेकंड पॉइंट में हम ओमिक कंडक्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। द कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ,
द कंडक्टर रिया ही है क्या? अरे अभी देखा मैंने इसको, विच ऑफ है, सही है सब कुछ रिया? दुखी है बहुत, दादाजी नहीं रहे ना, या खुशी हो? खुश हो, दुखी हो या खुश हो? हम सलाह हर कॉल कॉमी कंडक्टर एग्जाम्पल है मुर्गी अंडे सांद्रा इतना कुछ चिल्ला रही है। मेटालिक कंडक्टर रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ध्यान रखना यूट्यूब पे भी रहेगा, सब लोग सुनना आप उसको, ये करना क्या बोलते हो मेटालिक कंडक्टर सारा बदला लेगी पेट खोलने के बाद, बोलेगा बताओ अब क्या किया जाए आपके साथ, मार दिया जाए। मैं स्किल लेके जाऊंगा हाथ में रखूंगा उस टाइम पे, जरा सा सेटा नहीं करूंगा ना पहले मैं नहीं मेडल के बेहोश नहीं होता, लेकिन हल्ला बंद करो, हल्ला बंद करो, अरे वो तो पढ़ेगी तब ना पता चलेगा, अभी पूरी पढ़ाई की है, अभी तो जाने की बात तैयारी है ना, सही है ना? ये बोल रहा है क्या देखे बेहोश करेगी तू, ये बोला कि वो तो पढ़ाई करेगी तब ना पता चलेगा, अभी थोड़ी उसको पता चलेगा, वो डायरेक्ट जालो के डाल के बीमार करेगी। पार्सली ब्लॉक मतलब ये जो करते जैसे हाथ उथ का ऑपरेशन होता है तो ओनली हाथ को ये किया जाता है, तो उसमें एक इंजेक्शन लगा दीजिए जालो कम साइड होता है, वो डाल देने से वो हाथ काम नहीं करेगा, उसके बाद उसको चीज हाथ डालो जो भी करने का, तो ओमिक कंडक्टर वैसा है। सुनो ओमिक कंडक्टर जो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करना मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना और ओरिजिन से पास करना, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो सिंपल से बात है, मिटा दें आ गया समझ में, हमें समझने वाली बात ही क्या थी सर, सबको आता ही हम कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए द वी ए ग्राफ और ओमिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तुमको मैंने क्यों बोला, तुमने तो फिर से सोचा नहीं, फिर से प्रूव रही है मतलब, आवाज मत करो ना, क्या बोला मैंने, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। रियर ग्राफ जो होगा ओमिक कंडक्टर के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा और क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है टीपू पता है ना, नहीं पता है? अरे बाप, मान ली इधर पे हमने भी ले लिया तो इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस भी, इधर पे आए ले लिया क्या हुआ, माइनस आए इस प्रकार से, ठीक है, यह ओरिजिन, ठीक है, यह प्योर मेटल के लिए, किसके लिए, हाँ बनाते, और यही चीज इधर पे ले लेते हैं, बी माइनस बी आई माइनस आई, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी ओरिजिन से पास करेगा, ये लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ हो, ये देखो 45 डिग्री पे चला गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, थोड़ा नीचे की तरफ, ये है तुम्हारा किसके लिए, ये प्योर मेटल नहीं है, सीयू सपोर्ट सॉल्यूशन विद सीयू इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये जो ग्राफ है किसके लिए, सीयू सपोर्ट सॉल्यूशन विद सीयू इलेक्ट्रोड, ठीक है, लेकिन कैसे भी हो सकते हैं, हाँ अब बोलोगे कि सर यहाँ से पास करेगा कैसे, ऐसे नहीं करेगा तो फिर ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, अरे बात समझ में, अब लिखो नॉन ओमिक कंडक्टर, ये देखो पर्दे का पंखी के साथ।
लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर, हेडिंग द नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर व्हिच डू नॉट, मतलब नेक्स्ट स्टार पॉइंट डाल के नॉन ओमिक कंडक्टर लिख दो ऐसे, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, इसका उपयोग करते हैं, द कंडक्टर व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, द कंडक्टर व्हिच डू नॉट obey Ohm's law, the conductor which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor. Non-ohmic situations may be of, non-ohmic situations may be of द फॉलोइंग टाइप्स, देन क्या बोला मैंने, नॉन ओमिक सिचुएशंस में भी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, नॉन ओमिक में तीन चार सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट नंबर द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ does not pass through the origin, the origin. Second situation is क्या होगा, real relationship, इसमें नहीं डाली थी क्या, दोनों में डाली थी, खत्म हो गया था ये ब्लैक वाला भी, real relationship is नॉन लीनियर, जैसे मैंने ये बोला पहले वाले से जिन्हें देखा जाए तो ये लीनियर ना होते, मतलब लिखा गया स्ट्रेट लाइन वी आर ग्राफ डज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ऐसे ना पास हो गया, ऐसे हो गया, हो सकता है ना, दूसरे वाले में हमने लिखा तो वी आर रिलेशनशिप इज नॉन नॉन लीनियर, मतलब क्या ऐसे आया और इधर से थोड़ा सा डायरेक्शन बदल गया, कुछ भी हो गया, नॉन लिनियर, नया बात समझ में, थर्ड वाला वीयर रिलेशनशिप, वीयर रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी, साइन ऑफ वी फॉर द सेम वैल्यू, for the same value, for the same absolute value, same absolute value, value of v and value of v, ठीक है, और fourth number vi relation is non-unit, non-ohmic conductor का जो बिहेवियर होता है कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, वो सब भी सही है, मनली ग्राफ जो तुम्हारे बुक में दिखाया गया है, ठीक है, वो ऐसे दिखाया गया है, उसको ऐसे जाना चाहिए था, चला जाना था बोलिए करके, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, पूरा नीचे चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, नया बात समझ में, ठीक है, ये जो शो कर रहा है ये क्या बता रहा है, नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक बिहेवियर कैसे भी जा सकता है, नहीं समझे ये सब, तो ऐसे मैंने समझाया, ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, अगला टॉपिक लिखो मेटालिक कंडक्टर, स्टार पंडाल के लिख सकते हो, मेटालिक कंडक्टर स्टार पंडाल के लिख दो,
ये एरो है ठीक है ना, ये जगह नहीं था उससे इसलिए ऐसे घुमा दिया। स्टार पॉइंट एक लिखो, मेटालिक कंडक्टर। फॉर ए स्मॉल करेंट, फॉर ए स्मॉल करेंट कॉमा अ मेटालिक कंडक्टर ऑलवेज, फॉर ए स्मॉल करेंट अ मेटालिक कंडक्टर ऑलवेज ओम्स लॉ। And its VI graph is, and its VI graph is a straight line. लिख लिया। VI graph is a straight line. Repeat कर दे रहा हूँ। For a small current. अब मेटालिक कंडक्टर वो है ओम्स लॉ, मतलब स्मॉल करंट के लिए जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ को पालन करता है, ओबे करता है ठीक है। एंड इट्स वीआई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फुल स्टॉप। बट व्हेन लार्ज करंट, बट व्हेन अ लार्ज करंट्स आर पास्ड थ्रू द सेम कंडक्टर, are passed through the same conductor, are passed through the same conductor, comma, it gets heated up, it gets heated up, it gets heated up. लेकिन जब क्या होगा, लार्ज करंट सेम उसी कंडक्टर से पास किया जाएगा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, आयरन वगैरह पता है ना, हीटेड अप। एंड इट्स रेजिस्टेंस, एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज है फुल स्टॉप। VI graph no longer remains linear. VI graph no longer remains linear. VI graph no longer remains linear. VI graph जो होगा वो linear नहीं रहेगा, जब वो heated up हो जाएगा तो नहीं रहेगा। That is conductor becomes that is conductor becomes non-ohmic at higher currents, at higher currents as shown in figure. यही वाला ग्राफ बना दो, सेम ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बना तो नीचे लिखो ये ग्राफ फॉर द मेटालिक कंडक्टर। ये एरो है, ये ऐसा कोई कर्व नहीं है, इधर पे जगह नहीं था ना, इसलिए तुम इधर पे ये लिखो, वरना ये अजीब सा लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता ठीक है ना, कर्व की तरह लगता है। तुमने क्या सोचा, कोई कर्व है क्या? सब लोग आपके जैसे एरो बने, बना लो फिर से नीचे, छोटा सा ही बना लो, नीचे लिख देना VI ग्राफ फॉर द मेटालिक कंडक्टर। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, तो ऐसा मत सोचना, नीट का एग्जाम निकाल दो, सारा फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप ठीक हो जाता है। बैंक वाले तेरे घर पे जाएंगे, मैडम लोन चाहिए क्या, ठीक है बस किसी भी तरह से एक बार क्रैक कर दो, दरवाजे को तोड़ डालो। SC ST वाले जो बच्चे हैं उसका तो एकदम ज्यादा से ज्यादा चांस है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगा। OBC वाले को थोड़ा सा
ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा। नीट नहीं देने वाले हम लोग ही हैं। दोस्ती है ऐसी है, तुम लोग मतलब थोड़ा सा कोशिश कर दोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। क्यों भी है इतने अच्छे से पढ़ के किए हैं, तुम्हें नहीं जाना मत जाना। पता है कभी कभी मूड बदल जाता है, जैसे सृजन उसको बोले थे पॉलिटेक्निक एग्जाम में तो नहीं दिया था, लेकिन जब सेंटर में हो गया तो फिर बोले थे सर आप सही बोलते थे, दिए होते तो पॉलिटेक्निक में चले जाते, स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता। समझ में तो कभी कभी स्थिति खराब होता है तो देना चाहिए। मान लो सुनना, कुछ लोग सपने देखते हैं फिर अगर निकल जाता है वैसे ही तो देना। अरे एक फॉर्म तो भरना है, एक फॉर्म ही तो भरना है, अगर दल्ला में जाके एग्जाम देना है। शुरू शुरू में भर दोगे ना फॉर्म निकलेगा तो, सुनना शुरू शुरू में अगर फॉर्म भर दोगे तो नियर बाय सेंटर हो जाता है, पास में ही हो जाएगा सेंटर, अगर दल्ला हो जाएगा। धर्मनगर, धर्मनगर में नहीं है सर, सिलचर हो जाएगा, सिलचर में आना, नगर दल्ला में तो होता है सेंटर। खुल अम्बासा में भी हुआ था क्या इस बार में? नहीं, ऑफलाइन वाले के साथ हुआ था जी, नगर दल्ला यहाँ पे भी हुआ था। किसी एक स्कूल में हुआ था मुझे पता है, धलाई डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में किसी में हुआ था, अभी कौन सा स्कूल है ये नहीं पता, ये नहीं पता। सुनना ओए, ऑफलाइन एग्जाम निकला हुआ था इस बार? नहीं, मैंने मुझे पता है, मैं पूरा श्योर हूँ, एक स्कूल तेरे धलाई डिस्ट्रिक्ट में नाम था, पता नहीं कौन सा था, वहाँ पे सेंटर था। तो इसलिए टेंशन मत ले, आराम से देख देख, अगर हो जाए तो सारा चीज़ ठीक। कभी कभी पता है कि हमें गलत डिसीजन लेकर बाद में पछताते हैं, फिर हमें पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका। चलिए सेकंड मतलब स्टार पॉइंट लिखिए, वाटर वोल्ट मीटर, वाटर वोल्ट मीटर, VLTAMETER, वाटर वोल्ट मीटर। अरे एक स्टार पॉइंट लिखे था ना, फर्स्ट पॉइंट लिखे था ना, सेकंड पॉइंट लिखिए, वाटर वोल्ट मीटर क्या होता है ये देखे थे? एनोड होता है, कैथोड होता है, बीच से वाटर डालते हैं। खैर चलो ये फिगर नहीं पढ़ेंगे, इन दिस डायरेक्ट बस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। फिगर बनाएंगे क्या होगा देख लेना बुक में। इन दिस वीआर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। VA graph is a straight line but not passing through origin. But not passing through the origin. As shown in figure, as shown in figure, hence the electrolyte water Hence the electrolyte, bracket में लिखना water acidified with dilute H2SO4. Water acidified with dilute H2SO4, bracket के अंदर, ठीक है, bracket close. Is a non-ohmic conductor. Dilute H2SO4. DIL, dilute H2SO4. Water bracket में रखना है, water acidified with dilute H2SO4. Bracket closed, ठीक है? Is a non-ohmic conductor. Non-ohmic conductor. Water voltmeter में क्या होगा? VI graph जो होगा straight line होगा, परंतु ये origin से पास नहीं करेगा, जैसा कि figure में दिखाया गया है। तो हिंस द इलेक्ट्रोलाइट इज अ नॉनोमिक कंडक्टर, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, मतलब वो क्या होते हैं, नॉनोमिक कंडक्टर होते हैं। मतलब इसके ग्राफ यहाँ पे ऐसा बनेगा, बना लो ग्राफ, बना लो, और जो वाटर वोल्ट मीटर होता है उसका फिगर मैं सेंड कर दूंगा। वैसे एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब इतना छोटा सा ही है। एक साइड में ग्राफ बना दो और दूसरे साइड में वो बना देना, यह आई यह भी, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, बी नॉट, ठीक है, यह वीआर ग्राफ और
वाटर वोल्टमीटर, वाटर वोल्टमीटर तो ये पूरा सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ना लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन के पास नहीं होगा। हो गया जब मैं पढ़ता था ना तो एन वक्त पे मेरा मूड बदल गया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था ना, मेरा मन हो रहा था अब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर नहीं बनना, लेकिन फिर भी क्या करे, ऑप्शन नहीं था ना। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, सुन रहे हो सानिया, आकाश मीना, उसको टेंथ में ज़्यादा नहीं मिला था, 82% मार्क्स मिला था, 82% ही मिला था। तो उसका एडमिशन हुआ IIT कानपुर में, जे का एग्ज़ाम निकाला था, IIT कानपुर में एक साल पढ़ लिया, लेकिन उसका मन था डॉक्टर बनने का, फिर से नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया और उसमें छोड़ के चला गया डॉक्टर बनने, इंजीनियरिंग छोड़ दिया। तो देखो कितना लकी लकी बच्चा था, पहली बार नीट नहीं निकला, जे निकल गया, जे दे दिया। मैथ अच्छा था बच्चे का, बायोलॉजी कमजोर था, लेकिन मन हो गया बायोलॉजी पढ़ने का। वोल्ट मीटर होता है तुम्हारा ये, तो मतलब वाटर क्रैक करने से क्या डॉक्टर हो सकता है? हाँ कंफर्म है, होना है, चाहे अच्छा वाला बने चाहे खराब वाला, चाहे झोला छाप, लेकिन बनेंगे। हाँ जेई क्वालिफाई किए मतलब इंजीनियर बनेंगे आप, मेहनत करना पड़ेगा। कोई एक आदमी बता दो जेई क्वालिफाई किया हो और इंजीनियर ना बना हो। क्वालिफाई किया तो ऑब्वियसली तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे, जब कॉलेज में एडमिशन लोगे जॉब लेस की बात नहीं है उनको, इंजीनियर तो है ना, डिग्री है ना उसके पास, तो फिर तो ऐसे तो कोई भी आदमी का फायदा नहीं है। सुनो इसका मतलब देखो, नहीं ये जॉबलेस, सुनो NITN जो है, सुनना NITN जॉबलेस इसलिए नहीं है कि उसे जॉब नहीं मिला है, उसके लेवल का जॉब नहीं मिल रहा होगा, अरे बात समझ में, इसलिए वो नहीं कर रहा होगा। NIT से क्या है, NIT से क्या है, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, उनको जॉब का सिस्टम देखो। शिक्षा का मतलब अगर नौकरी हो गया तो सब नौकर ही पैदा होंगे देश में। पढ़ाई का मतलब, इंजीनियर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जॉब ही मिल जाए, डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जॉब ही मिल जाए, ये एक एजुकेशन है, ये एक शिक्षा है। क्लिनिक खुला है, डॉक्टर मतलब नहीं, तो तुम जो भी करना हो कर सकते हो, ऐसा कहाँ लिखा है, सुनना सानिया, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो डॉक्टर बना उसे इलाज ही करना है? तो फिर क्या डॉक्टर क्या करेंगे सर, उसका मर्जी नहीं है, नहीं करो तो बिजनेसमैन बन सकता है बाद में, उसका अगर इच्छा मूड बदल गया तो उसी फील्ड में बिजनेसमैन बन जाएंगे बहुत बड़ा। मेडिकल फील्ड में भी बिजनेस होता है, नहीं पता तुझे? मेडिसिन का बिजनेस नहीं, वो तो बी फार्मा एम फार्मा वाला करते हैं। मेरी बात सुनो, अरे बंटा तू पीछे क्यों देख रहा है, आगे देखना, पागल हो गया क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इंजीनियर बनने का मतलब ये नहीं कि जॉब करना है, वो कुछ खुद का भी इनोवेशन कर सकता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब मान ले कि जिसने PhD कर लिया वो सब क्या क्या प्रोफेसर ही बन जाता है क्या, वो ऐसे करके बैठा रहता है, उसका मतलब इच्छा है, पैशन है। मैंने सुना कि अगर PhD कर लिए तो सैलरी आते रहते हैं। कौन बोलता है ऐसा, कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ लोग बोलते हैं। वो तो मास्टर डिग्री अगर तुम करते हो ना, जैसे BTech तुमने कर लिया, अगर MTech करते हो तो तुम्हें स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पर मंथ सैलरी 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ मिलने लगे, तुम पढ़ भी रहे हो पैसे भी मिलेंगे, लेकिन हाँ तो लाभ है, लाभ क्या है, वो पैसे स्टाइपेंड होते हैं, वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, बाकी आगे की पढ़ाई के लिए होते हैं, ठीक है। और सुनो हल्ला मत करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है, तुम खुद का, अगर तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो तुम वो भी संभाल सकते हो, अगर सब लोग नौकरी बन जाएंगे तो यार देश को कौन चलाएगा? नौकरी मतलब नौकर, हाँ हाँ नौकरी मतलब नौकर, और क्या अच्छा नहीं लगता है, जॉब ही करे तो हमको कौन चलाएगा? हाँ सही बात है ना, अगर मान लो सुनो ना, अगर ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहा है, नौकरी पे जा रहा हूँ, नहीं अच्छा नहीं लगता तो बोलते जॉब, वर्ड बदल दिया है,
ठीक है, परंतु है तो अरबी ने क्या किया सुनी उसने कहा तो हम पढ़ते क्यों है पढ़ते हैं शिक्षित होने के लिए, देश को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए। नहीं बात समझ में, पढ़ते हैं क्या तुम नौकरी के लिए पढ़ते हो क्या? अगर नौकरी नहीं मिला तो तेरा जिंदगी खत्म। हाँ तो सुना ना, अगर नौकरी नहीं मिला, सपोज अगर नौकरी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही सोचने से क्या होगा? इसका मतलब तुम्हें जॉब नहीं मिला तो मर जाओगे इसके बाद। आप बोले ना कि लेकिन ऐसा भी लोग बोलते भी नहीं, बचपन से छोटे से ये बोल के है कि पढ़ो और फ्यूचर में एक बड़ा जॉब करो ताकि तुम अच्छे से जी पाओ। हाँ तो पढ़ते हर कोई है पैसे कमाने के लिए। पैसा कब कमाएगा? जब नौकरी कमाएगा। हम तो नहीं कर रहे हैं फिर भी कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टीचर ही बन सकते हो, तुम कुछ और भी कर सकते हो, बहुत सारे आइडिया है। पहले डिग्री ले लो उसके बाद आना मेरे पास, हजारों लाखों आइडिया है। अरे सर, 12 होने के बाद आपके पास है, ठीक है? सब लोग पता यही सोचते हैं, बच्चा पे इतना प्रेशर होता है ना, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जाके सुसाइड कर लेता है, पता है नौकरी नहीं मिलता इसलिए। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तुम कभी साउथ इंडिया जाओगे, बेंगलुरु साइड में जाओगे ना, तो सुनो बता रहा हूँ, बेंगलुरु साइड में जाओगे, विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में ओवरटेक में लोग बोलो मत, साथ रहो। बेंगलुरु विदेश में जब अपने इंडिया में चले जाओ साउथ साइड में, तो वहाँ के तुम ज़्यादातर लोगों को देखोगे शिक्षित, सबसे ज़्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग वहीं पे होते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे कम नौकरी करने वाला लोग वहीं के हैं, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से उसको कोई मतलब नहीं, चाहिए ही नहीं, वैसे लात मार के फेंक देते गवर्नमेंट जॉब को। सबका कुछ ना कुछ बिजनेस होता है, सब कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और यहाँ से त्रिपुरा से बिहार से यूपी से सब जाके नौकर बनते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं। हम सफर ट्रेन स्पेशली सप्ताह में 7 दिन चलता है उसी के लिए, नौकर को जाने के लिए। किसको जाने के लिए भाई? नौकर सबको जाने के लिए अगरतला से बेंगलुरु के लिए ट्रेन चलाया गया है कि बहुत सारे नौकर जाए और वहाँ पे काम करके आए, और पैसा कौन कमाते हैं? वो सब हो जाता है, पैसा कुछ नहीं, किसी काम के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, दिमाग बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो बोल रहा हूँ यकीन करो, दिमाग चाहिए, अगर तेरे पास दिमाग है पैसे नहीं चाहिए। बहुत सारे आइडिया है, एमएसएमई है, माइक्रो लेवल का तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 10 लाख तक का लोन मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए। अब तुम ऐसा बकवास आइडिया लेके लोन लेके कर रहे हो तो फेल हो जाएगा ना, वो डिस्कस करना पड़ता है कई बार उसको। तो इस यही सब चीज़ तो पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, खाली क्या मशीन को खोलना सिखाता है क्या, उसको पैक करना, बहुत बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है? मेडिकल में भी ऐसा नहीं है खाली पेट को मतलब चीर के उसका किडनी निकाल लेना है, बस ऐसे सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं रियल लाइफ से भी, ठीक है? देखो पीएन जंक्शन डायोड ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट कंसिस्ट, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर है, जितना भी पढ़ रहे हैं ना सब नॉन ओमिक कंडक्टर है। इट कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फुल स्टॉप। द जंक्शन डायोड अलाउज करेंट, द जंक्शन डायोड अलाउज करेंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इट एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर। क्या करता है, नाम सुना रेक्टिफायर का? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ब्रैकेट में लिख लो, कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, एक्ट्स एज रेक्टिफायर। हाँ रेक्टिफायर,
रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा पीएन जंक्शन डायोड के लिए, आज दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया इसलिए सब दिन खराब चल रहा था, ठीक है। आज मैगी खा के जिंदा हुआ। कौन बनाया मैगी आप? मैंने बनाया लेकिन बहुत टेस्टी बन गया था सर, पता है जो बनाते हैं ना उनको टेस्टी लगता है। नहीं मैं बनाता था तो बदबू आते थे हमेशा, लेकिन आज का दोस्ती बन गया था जल्दी से। अरे अरे हर पापा की परी को आता है, पापा की परी जानते हो क्या होता है? ये ग्राफ है ऐसे पी इंजेक्शन डायोड के लिए, ठीक है। तो सर ये नीचे वाला कैसे खड़ा हो गया है? ये पूरा एकदम खड़ा हो गया, परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये ऐसे बिल्कुल बढ़ा है, ठीक है। वी ए ग्राफ को जंक्शन डायोड ये बस ग्राफ याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, ओनली ग्राफ याद ऐसा दिया है तो समझ जाना पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है। सर ये क्या है पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है, 11th के फिजिक्स में पढ़ना था। रहने दे, मान ले पीएन जंक्शन होता है कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर है एनोड कैथोड के कॉम्बिनेशन से बनता है पीएन जंक्शन। पी टाइप एन टाइप मतलब एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, PNPN ऐसे करके मतलब जंक्शन बनाते हैं, जैसे कि तुम्हारा का थायरिस्टर में भी उसका यूज होता है PN जंक्शन का, ठीक है। ये पढ़ना था फिजिक्स में 11th में, नहीं पढ़े छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ऐसा ग्राफ होता है। 11th ने हमारा लॉस कर दिया सर। फोर्थ फोर्थ थोड़ा सा बुक खोलेंगे ना आइडिया आ जाएगा, जब पढ़ेंगे ना। रुको मैं दिखाता हूँ, क्या फोटो से दिखाता हूँ। डायोड एक सामान का नाम है, मतलब एक इक्विपमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको तुम लोग कुछ ज्यादा कर रहे हो आज, तुम्हें पता है ना ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है और तुम शैतानी कर रहे हो। ये देखो ये पीएन जंक्शन डायोड देखा है, ठीक है। डायोड तो पता है सर, हाँ वही तो है। ये देखो एक साइड होता है ये जिधर पे एक सिल्वर कलर का होता है ना, जैसे ये सिल्वर कलर है ना वो साइड होता है कैथोड, और जिधर से ब्लैक होता है होता है एनोड। ये देखो एकदम, ये देखो थोड़ा गौर से, ये देखो सिल्वर साइड का जो होता है। और अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं थायरिस्टर, थायरिस्टर THY वो भी दिखा देता हूँ ताकि दिमाग में RISTOR वो भी दिखा देता हूँ। थायरिस्टर ये है तुम्हारा थायरिस्टर, ये देखो पी इंजेक्शन डायोड की तरफ काम करता है, GAC ये तीन टर्मिनल है, ये मतलब सर्किट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। दिख रहा है क्या उसमें? ठीक है देखा है ना टीवी के सर्किट में, ये देखो दिख रहा है क्या ऑनलाइन वाले बच्चे? दिख रहा है ऑनलाइन में? कोई नहीं, वाइट दिख रहा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब भाग गया। क्यों भाग गया? तानिया आया था। तानिया क्यों भाग जा रही हो? ये देखो दिख रहा है या थायरिस्टर? नहीं सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, वो मतलब कैमरा है ना एडजस्ट करता रहता ना। और क्या वाटर वोल्टमीटर देखेगा? हाँ। वाटर वोल्टमीटर मैंने सर्किट में ये कहना चाह रहा था, ये है यही वाटर ग्राम की मैं बात कर रहा था। सर ये डायग्राम हमारे सिस्टम में नहीं खुलेगा, ये शेयर कर दो ग्रुप में, ये डायग्राम बनाना क्या है वाटर वोल्टमीटर समझ में
ये देखो ये 3D डायग्राम चला गया, इसमें डबल क्लिक करोगे भाई ये क्या हो गया भाई, क्या है क्या चला गया भैया, कुछ चला गया कुछ स्क्रीनशॉट भेजोगे दिखाता हूँ इसका 3D डायग्राम दिखाता हूँ ना, ये तो एक सर्किट दिखाते हैं जो कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, मैंने बोला था ना थोड़ा सा जगह छोड़ लो एक डायग्राम बनाना है, वही वाला डायग्राम बनेगा वाटर वोल्टमीटर का। और ये देखो ये ऐसा होता है ठीक है, इसके बारे में जानना, लेबोरेटरी में यूज होता है, एक तरफ से इलेक्ट्रोलाइट जाएगा वाटर जाएगा, ये देखो ये भी है वाटर, लैब में यूज होता है लेबोरेटरी में यूज होता है, ये किसके किसके यूज में आता है बता दो, इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर इन्वेंटेड इन द इसका वर्ल्ड, सर आप जान इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें कराया गया होगा, तुम लोग भूल जाते हो हमारे इसको में कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं। देखो ए वोल्टमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ठीक है, व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन, ऐसा यूनिट जो होता है ठीक है, आगे बात समझ में आपको पता है हमारे स्कूल में क्या फैक्ट्री हुआ है, हुआ होगा तुम लोग भूल गए, थायरिस्टर 11 में एक मेजरमेंट किया, लिखो अब लिखो थायरिस्टर के बारे में, पॉइंट नंबर 4 थायरिस्टर THYRISTUR थायरिस्टर थायरिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ होल इट कंसिस्ट ऑफ फोर अल्टरनेट लेयर ऑफ पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर, चार लेयर होगा पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर का ठीक है, पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर फुल स्टॉप, its wire relationship is as shown in figure, its wire relationship is as shown in figure full stop, it can be easily figure mein banane wala hu, it can be seen yeah easily seen that point number 8 The wire relation is non-linear. Point number B, comma dalke. Wire relationship is different for positive and negative value of B. पॉजिटिव रियल रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी, किसी का कुछ छूट गया क्या, रिपीट करूं सेकंड नंबर को, बी नंबर पॉइंट रियल रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी वी पोटेंशियल ठीक है, एंड पॉइंट नंबर सी इन अ सर्टेन पर्संस There are two or more value of current for the same value of voltage. In a certain person, there are two or more value of current for the same value of voltage. लिख लिए? That is, the wire relationship. That is, the wire relationship is not unique. The wire relationship is not unique.
यूनिक है, यूनिक। स्टॉप आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट मत बदलना, पैराग्राफ चेंज कर दो। द रीजन ए बी इज, द रीजन ए बी इज इंटरेस्टिंग, द रीजन ए बी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज द करंट कैरिड बाय द डिवाइस, करंट कैरिड सी ए डबल आर आई डी कैरिड बाय द डिवाइस इंक्रीजेज एज द वोल्टेज डिक्रीजेज, एज द वोल्टेज डिक्रीजेज। दैट इज ए इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इज निगेटिव इन दिस रीजन, द रीजन ए बी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज द करंट कैरिड बाय द डिवाइस इंक्रीजेज एज द वोल्टेज डिक्रीजेज, दैट इज ए नेगेटिव इन दिस रीजन। ठीक है, अब देखो कैरिस्टर का तो डायग्राम मैंने दिखा दिया, लेकिन ये तो ब्लैक कलर का तुमने दिखा, कुछ होता है ठीक है, उसके अंदर जो होते हैं पी एन एन टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज होता है, जो लेयर बाय लेयर होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये है पी, ठीक है, ये दूसरा वाला है एन, ठीक है, ये है पी, ये है एन, ठीक है, पी एन पी एन, पी एन पी एन, ठीक है, इधर पे है एनोड, इधर पे है एनका कैथोड, ठीक है, ये सब इक्वल बॉक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा दिया गेट। अब ये गेट वो ये सब सीखोगे तो फिर पूरा कंडक्टर ही डिस्कस करना पड़ेगा, मान लो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और पी एन एन टाइप के लिए तुम्हें ग्राफ पता है, ध्यान से देखो, पी पी एन सेमी कंडक्टर का ग्राफ पता है ना, अभी बनाए थे ना, वही ग्राफ बना के उसी में देखो चेंजेज करते हैं। ये हो गया वी, ये हो गया माइनस वी, ये हो गया आई, ये हो गया माइनस आई, ग्राफ ऐसा था, ऐसे करके गया था, ऐसे गया था ना रे, और थोड़ा सा यूं हो गया था, हो गया था ये पूरा प्रबंधित हुआ है, ठीक है, और इसके बाद ऐसे गया था ना, लेकिन इस जगह पे चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पी एम सेमी कंडक्टर था ना, यहाँ लेयर बाय लेयर, ये तो तुम्हारा थर्ड जो थर्स्टर का है ना, यहाँ पे बदल, और ये कुछ इस प्रकार से बदलेगा, ऐसा जाएगा, पहले मुझे बनाना तो फिर बनाना, वरना कहीं गलत नहीं होगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये है पॉइंट ए, क्या है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी, मैंने बोला ना ए बी इज इंटरेस्टिंग, अब मैं बोल बोल के पूरा चीज समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमने बोला इट कंसिस्ट ऑफ अ फोर अल्टरनेट लेयर ऑफ द पी एन सेमी कंडक्टर, पी एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद रुक जाना, इट्स वेयर रिलेशनशिप एज शोन इन फिगर, इट कैन बी इजली सीन दैट पॉइंट नंबर ए, वेयर रिलेशन इज नॉन लीनियर, वेयर रिलेशन नॉन लीनियर है, लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन होता। पॉइंट नंबर वन, वेयर रिलेशन इज नॉन लीनियर। पॉइंट नंबर टू, वेयर रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी, मतलब वी का पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ये अलग है, वी का अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो इसका रिलेशन, मान लें नेगेटिव में ऐसे आया, पॉजिटिव में कुछ ऐसा जाना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लिए बिहेवियर अलग है, इसके लिए बिहेवियर अलग है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड नंबर में इन अ सर्टेन पोर्शन, बोला गया कि कुछ ऐसे पोर्शन भी है, देयर आर टू और मोर वैल्यू ऑफ करंट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जैसे मान लो कि मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये तुम मार्क मत करना, मान लो मैं इस पोर्शन का वोल्टेज मैंने इतना लिया, मान लो दो वोल्ट है तो दो वोल्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे करंट मतलब और यहाँ पे सेम करंट मिल गया, ठीक है ना, आ गया। इन अ सर्टेन पर्सन देयर आर टू और मोर वैल्यू ऑफ करंट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज तो सेम गया लेकिन करंट के वैल्यू दो हो गए, ठीक है, करंट के वैल्यू दो मिल गए। आगे द वेयर रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक, मतलब यहाँ पे यूनिक नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक है।
द रीजन ए बी इज इंटरेस्टिंग, रीजन ए बी मतलब ए बी रीजन, ये देखो ये जो ए बी रीजन है ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पे बोला गया कि करंट कैरिड बाय डिवाइस इंक्रीजेज एज द वोल्टेज डिक्रीजेज। यहाँ पे देखो वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, उस समय पे कॉन्स्टेंटली देखा गया कम बढ़ना, यहाँ पे तो तेजी से बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, नहीं करंट है ना तो करंट तेजी से बढ़ रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन एक ए बी रीजन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज घट रहा है, ठीक है, करंट बढ़ रहा है, मेरा बात समझ में आई। यहाँ के बाद ये देखो वोल्टेज कम हो रहा है ना, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है, कुछ नहीं। ये जो है ये तुम्हारा, ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा किसका है, आयरिश कर का। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं कि बदल उदल के नहीं, मेरे कल उन्हें लेकर ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल ग्राफ आप पूछेगा आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है गैलियम आर्सेनाइड। क्या हुआ बना रहे से तो भरा 20% सिलेबस खत्म हो गया आज का, मतलब और इस टॉपिक इसमें तो 20%। लेकिन एक बात भरोसा रखना कि मैंने जितना पढ़ा दिया ना तुम्हें इसमें तुम्हारा उस चैप्टर से अगर तुम अच्छे से उसको कर लिए और अवरा बुरा जो भी तुम्हारे पास ईमानदारी से सॉल्व कर लो, एन सी आर टी बुक को ईमानदारी से सॉल्व कर लो, मैं तुम्हें दावे के साथ पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये पूरा थ्योरी कर लो, एक एन सी आर टी तो कॉमन है पढ़ना ही है और एक कोई सा भी क्वेश्चन बुक अच्छे से कर लो, बस इस चैप्टर की गारंटी लेंगे जितना मैंने पी लिया, समझे, बोलो उसके बाद भी ना कर पाए तो मर गई। बना लो जल्दी जल्दी सब लोग भाई, तानिया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब पागल बनते है बहुत अच्छा आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, आइडिया आदित्य बिरला जी, अच्छा बोला था तब तेरा आइडिया हुआ, इस पे कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट ठीक की मारी, चलो लिखो गैलियम आर्सेनाइड पॉइंट नंबर 5 GALLIUM। बोलो जी सब क्या होता है सर, सब जुगाई सर भाई, गैलियम आर्सेनाइड यार ऐसी है ना डी गैलियम GALLIUM आर्सेनाइड, ये भी मारोगे सर तो ये भी देख लोगे, ठीक है ना, ऐसे कंपोनेंट लिखो, फिगर शोज द वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर, फॉर द सेमीकंडक्टर GaAs, GaAs गैलियम आर्सेनाइड, GaAs एक साथ ही लिखा हुआ है जैसे H2S लिखते हैं ना, जी ए गैप नहीं है, GaAs ऐसे लिखा हुआ है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaAs फुल स्टॉप। इट एग्जिबिट्स नॉन लीनियर बिहेवियर, इट एग्जिबिट्स नॉन लीनियर बिहेवियर फुल स्टॉप, मोर ओवर
मोर ओवर आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज After a certain voltage, comma, the current decreases as the voltage increases. क्या हुआ इसके? ठीक है सब कुछ बन जाना है। एस पी सर आगे, एस पी मैम आगे, सानिया कॉल मैम, यानी तो सब नहीं नहीं सुपरिटेंडेंट प्लीज तने चली गए, सबका इंटरनेट खत्म हो गया होगा। क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? बोरिंग टाइप का है, सब लोग भाग जा रहे हैं। सबका मेरा छोड़ के, मेरा तो एकदम हाई स्पीड है भाई, 88 Mbps। लाइट टू मॉडरेट रेन इज अ वेरी लाइकली टू कंटिन्यू ओवर सम पार्ट ऑफ द धलाई डिस्ट्रिक्ट इन द नेक्स्ट 2 आवर। कितने दिन बाद सुने? पता है इस बार वो मैसेज आया था इसलिए बारिश रुक गया था ना। क्या करेगी तानिया, मजबूर है, उसका इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं तानिया, होता है कभी कभी, मन लगा के पढ़ रहा है, टॉपर बनना है, बात खत्म। टॉपर नहीं तो कुछ नहीं, बढ़ाओ। ये भी सेमी कंडक्टर है, ये भी तुम्हारा जो करंट वगैरह के जो चार्जिंग सर्किट वोल्टेज इन सब का मेजरमेंट करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, तो इधर को ले लिया करंट। ये एक्सपेरिमेंट है भाई, ये जितना बोल रहा हूँ ना सब एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से ग्राफ बने, पढ़ाएंगे सर, कराएंगे, समझा? मिलियन पेयर में सुन रहे हो सानिया, ये सभी एक्सपेरिमेंट्स से आए हैं, ये सब दिखाई नहीं करेगा, जितना कंपोनेंट मैंने बोला ना स्कूल में दिखाया जाएगा। हाँ दिखाया जाएगा। हाँ मिलियन पेयर वोल्टेज लिख रहा हूँ मैं, देखो एल छोड़ दिया, वोल्टेज वी इधर की तरफ, नॉन लिनियर रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तीन रीजन यहाँ पे बन गए, एक ये रीजन, एक ये रीजन, ये ऐसा रीजन है जिसमें नॉन लिनियर नहीं है, ऐसे करके चलो कोई बात नहीं, जैसे बन गया रहने दो। ठीक है, बुक में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ये है नॉन लिनियर रीजन और ये जो है तुम्हारा ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव। हाँ रेजिस्टेंस क्या? नॉन लीनियर रीजन, हाँ नॉन लीनियर रीजन, मॉम नहीं है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। मैं बोल भी रहा हूँ, तुम लोग बातों करेगे तो बात करोगे तो सुनोगे कैसे, बात मत करो। और ये जो ग्राफ है ये वी आई ग्राफ फोर गैस गैलियम आर्सेनाइड, अब बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टिविटी द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी,
कहाँ सोया हुआ है? इनको क्या ये मिटा दो ना, ग्राफ हो गया ना। नीचे वाले क्या है? ये ग्राफ फोर जीएस गैलियम आर्सेनाइड ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पूछ रहा ना, सी आ रहा है कभी कभी। ये तो 12 में है ठीक है, बोल रहा है ये सुपर कंडक्ट करता है। सुपर कंडक्टिविटी क्या? सुपर बोल रहा है सुपर कंडक्ट करता है। सुपर कंडक्टिविटी लिख ले, लिख ले, लिखा देता हूँ रूम में। लिखो द फिनोमिना, लिखा दे रहा हूँ। वैसे मन तो नहीं था लिखाने का, लेकिन अब तू ऐसे सर ये सुपर कंडक्ट करता है कैसे बोल रहा है? द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ, वो डिफिनेशन नहीं पढ़ना था भाई, पढ़ते के लिए लिखा रहा हूँ। द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, बस मुझे ग्राफ बनाना था यहाँ पे। बाय सर्टेन मेटल्स लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पता है, ये भी लिखा दें। रेजिस्टिविटी तो पता है, पता है ना, पता ना, बचपन में पढ़े थे ना। द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स, मेटल्स पता है अपन का, बाय सर्टेन मेटल्स एंड बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय, एलॉय ए डबल एल ओ वाई, लिख लिया लिख लिया। व्हेन दे आर कूल्ड बिलो, व्हेन दे आर कूल्ड सी डब्ल्यू एल डी कूल्ड बिलो, कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड, अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। पढ़ा था ना, इसलिए ना बोल रहा हूँ सब कुछ तू पढ़ा होगा तो फिर भी वैसा फिनोमेना जब क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाएगा ठीक है, बाय सर्टेन मेटल एंड एलॉय, कुछ मेटल या फिर एलॉय के द्वारा ठीक है, जब इसको मतलब ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर है ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी पूरी तरह से चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मरकरी की रेजिस्टिविटी 4.2 डिग्री, देखो एग्जांपल मरकरी एट, मरकरी एट एग्जांपल मरकरी एम ई आर सी यू आर मरक्यूरी एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर, 4.2 केल्विन टेम्परेचर, 4.2 केल्विन कितना होता है पता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन, 300 कुछ होता है कितना, 373 ना, हाँ अरे डिग्री में बता, रूम टेम्परेचर कितना, 26 डिग्री या 27 डिग्री, 27 डिग्री है ना रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में अगर क्या होगा, 273 प्लस 270 डिग्री, ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो 70 सही तो बोला था। जब गर्मी एकदम मतलब जब अपना अभी अभी का टेम्परेचर तो वैसे ज्यादा है नहीं, अभी रूम टेम्परेचर अभी ठीक है ना, मौसम ठंडा है ना, अभी रूम टेम्परेचर 35 डिग्री से उस दिन का नहीं अभी की बात कर रहे हैं, अभी वही देख लेता हूँ मोबाइल में अभी रूम टेम्परेचर है कि नहीं, अरे ऊपर में हाँ 28 डिग्री सेल्सियस हम बात, देखो मतलब अभी रूम टेम्परेचर, और भी एक डिग्री कम होने पे रूम टेम्परेचर आ जाएगा, सुन मेरी बात, और भी एक डिग्री कम होगा तो रूम टेम्परेचर आ जाएगा ठीक है, तो होगा तुम्हारा 300 डिग्री केल्विन, कितना होगा 300 डिग्री केल्विन, अब वहाँ पे कितना तुम लिखो 4.2 डिग्री केल्विन, मतलब क्या सोच लो कि कितना कम टेम्परेचर निगेटिव में आया, बस समझ में, तो 4.2 मैं तुम्हें महसूस करा रहा था कि 4.2 केल्विन कितना कम है, अभी 300 केल्विन है, 301 केल्विन अभी दिस टाइम, सब एकदम मतलब स्थिर हो जाएगा, सब स्थिर हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बनता की तरह, लिख नेक्स्ट पॉइंट, इसका ग्राफ बनाते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस,
the temperature at which the substance undergo a transition from normal conductor to superconductor. In a zero magnetic field. Is called transition. Or critical temperature. ब्रैकेट में लिख देना टीसी, ठीक है टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा, आज नहीं कर पाएंगे, मेज़नर इफेक्ट, ठीक है। पढ़ा था ये? नहीं पढ़ा होगा। इसका ग्राफ बना लो, इधर पे टेम्परेचर ले लिया केल्विन में, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे ले लिया, इधर पे एक्टिविटी ले लिया ओम्स में 0.08, 0.16, ये रेजिस्टिविटी है रेजिस्टर से तुम्हारा ओम में। इसके बाद 4.2 ये होगा ना, 4 से थोड़ा सा आगे होगा ना, 4.2 यहाँ से यूं चलेगा, कहाँ तक जाएगा भाई, 0.8 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे चला जाएगा। ये देखो, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। मर्करी लॉस कंप्लीट रेजिस्टेंस फिगर जो है, ये बोल रहा है कि मर्क्यूरी लॉसेस कंप्लीट रेजिस्टेंस एट 4.2 केल्विन, एट 4.2 केल्विन, जहाँ पे ये जो है वो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे टीसी, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। रेगुलर मेजनर इफेक्ट भी लिखाई देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मेजनर इफेक्ट, MESSENER इफेक्ट, नया टॉपिक सर, ये ऊपर से हाँ, ये रेगुलर दोनों के बीच में थोड़ा सा पीछा गया, मेजनर इफेक्ट, मेजनर इफेक्ट लिखे, ग्राफ बना लिया ना, आसान सा ही था। द एक्सपल्सन EXPULSION, हेलो आइए ना, कब आए, आपको बोले थे ना 9:30 पे चलेंगे, हाँ नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके। द एक्सपल्सन EXPULSION एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड
इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मेज़नर इफेक्ट कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर. कैसे बोल रहा हूँ, द एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मेज़नर इफेक्ट. एक छोटा छोटा सा ही डायग्राम साइड में बना देता हूँ, समझ जाना भावनाओं को. ठीक है, इसे के ऊपर से मान लो कि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया. ठीक है, इस प्रकार से आया बात समझ में, जिससे नहीं कटेगा भावनाओं को समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम आसान सा ये हो गया. यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया और जो टेम्परेचर था उसको मतलब काफ़ी कम किया गया, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा. मतलब अगला जो डायग्राम तुम्हारा बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेगा, नया बात समझ में. और यहाँ पर जो था वो क्या हो जाएगा, बात है समझ में, इस प्रकार से बन जाएगा. अच्छा, आई वॉज समझ में, इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो जो टेम्परेचर है वो लेस देन इक्वल टू टीसी. ये बना लो डायग्राम, ये डायग्राम बना लो, हो गया मेजरमेंट इफेक्ट. ये तो और कुछ नहीं है, ये दोनों डायग्राम बना लो, ये और ये. वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, बचपन में पढ़ा होगा, सब याद आ रहा है. लेकिन 20% सिलेबस तेरा खत्म हुआ, एग्जाम में आया था तो मुझे नहीं आया था. अब आ जाएगा, हमने तो पढ़ा के दिए थे उस फोन पे. और भी कौन से सकते हैं, हरिया को आदमी मार रहे हैं, हरिया दुखी है ना.